कौन है? तुम वंशा? वो मारुख बाजी है? नहीं, वो आराम कर रही है। चले उनसे बोलेगा कि अमजद आया था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया? वो उन्होंने भाईजान से बात की मेरे मुतालिक? नहीं, मैंने उसे मना कर दिया था बात करने के लिए। क्या? वो तो कह रही थी कि मेरी बात करेंगी। आप तो जानती है ना, उनकी बात भाईजान नहीं टालते। देखो अमजद, ये तुम मर्दों का मामला है, हम औरतों का बोलना नहीं बनता है। मैं तो सिर्फ देखो, तुम सईद मियां की वालदा से कौन है? वो तुम्हें माफी दिलवा देंगी। खालाजान कैसी बात कर रही है? आप तो जानती है उन्हीं के कहने पे भाईजान ने मेरे साथ ऐसा किया, और आप कह रही हैं कि मैं उन्हीं से जाके बात करूं? अब तुम मेरी बात सुनो, तुम दोबारा जाओ और बुढ़िया के सामने रोना धोना मचाओ, वो तुम्हें माफी दिलवा देगी। जाओ, शाबाश, हिम्मत करो, जाओ, वो मान जाएगी। अल्लाह हाफिज़। भाभी। जुबैर भाई, आइसक्रीम। अरे इसकी क्या जरूरत थी आपसे, इतनी दफा का है ये तकल्लुफ ना क्या करें। बस दिल चाह रहा था कि मिलकर बैठकर खाते हैं। शहजाद नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो इतनी जल्दी कहाँ आता है स्कूल से। अच्छा आप बैठे, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। भाभी आप क्यों नहीं समझाती फरमान को, ये क्या नौकरियों के चक्कर में पड़ा हुआ है? आजकल की नौकरियों में रखा क्या है, जो मजा बिजनेस में है नौकरी में थोड़ी है। जुबैर भाई, फरमान की राय इस मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप मेरा साथ दें ना, तो मैं उसको बिजनेस करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। मैं साथ दूँ? मुझे पता है आपकी बात कभी नहीं टालेगा वो। सुबैर भाई, मैं उनके मामलात में बिल्कुल भी नहीं बोलती। बोला करें भाभी, हर मामले में उसको मनमानी नहीं करने दिया करें। और ये क्या, एक बॉल आप नहीं खाएंगी क्या? नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। तो बस ठीक, पर जब आपका मूड होगा तब खा लें, अकेले खाते अच्छा लगता है इंसान। सुबैर भाई आप प्लीज खाएं आइसक्रीम, मैंने नाश्ता काफी लेट किया था। पर मैं आपकी कंपनी के बगैर नहीं खाऊंगा, आपकी पसंद का फ्लेवर लाया था मैं। आपको किसने कहा ये फ्लेवर मुझे पसंद है? सुना था कि खूबसूरत आंखों वालों को यही फ्लेवर पसंद आता है, किसी कमर्शियल में देखा था मैंने। ना तो ये मेरी आंखों के लिए कहा गया था और ना ही ये फ्लेवर मुझे पसंद है। आप आइसक्रीम खाइए, मैं अपने काम निपटा लूं। अभी आप तो माइंड ही कर गई हैं, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तो मैं आदत है मुझे बगैर सोचे समझे बोल देता हूँ। आप आइसक्रीम लें, मैं थोड़ी हूँ। वैसे भाभी बिजनेस वाली बात पे सोचिएगा जरूर। जुबैर भाई मैंने आपको बताया है ना, इन मामलात में मैं बिल्कुल नहीं बोलती। भाभी बोला करें, अगर वक्त पर आपने बोला होता तो इतना बड़ा गलत फैसला नहीं करता वो। कौन सा गलत फैसला? यही शहर छोड़कर आने वाला, स्पेशली जब उसके पास कोई सेविंग भी ना हो और कोई सहारा भी ना हो रहने के लिए। पहली बात तो ये कि फरमान के इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ, और दूसरी बात, जो हमारी हलाल की कमाई में हम सेविंग्स कर सकते थे वो हमने की, इसमें हमें कोई पछतावा नहीं है। I'm sorry भाभी, मुझे लगता है मैं आपको अपनी बात ठीक से समझा नहीं सका। और मुझे ये लगता है कि ये बातें आप फरमान को समझाएं तो बेहतर होगा। मैं अपने काम निपटा लूंगी।